हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की ये वाली वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा रिगार्डिंग द न्यू BGIS टूर्नामेंट। सो मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूँ कि आप क्या कुछ करके उस टूर्नामेंट में क्वालिफाई हो सकते हो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर जब गेम बैन था, तब एक टूर्नामेंट हुआ था बाय द नेम ऑल टैलेंट चैम्पियनशिप, जिसे कुछ लोग क्रू चैलेंज भी बोल रहे थे। तो मैंने वो टूर्नामेंट खेला था और हम लोग उसमें ऑलमोस्ट क्वालिफाई होने वाले थे। हम लोग के एवरेज स्किल्स थे 26, वो भी 60 की लॉबी में। तो आई थिंक मैं आपको बता सकता हूँ इजीली कि आप कैसे हाई किल्स कर सकते हो और कैसे BGIS के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। सबसे पहले बात आती है कि आपको कौन से टीयर पे खेलना है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके लिए बेस्ट टीयर है खेलने के लिए, क्वालिफाई करना है आपको, तो आप खेलो डायमंड टीयर पे, क्योंकि अगर आप मिनिमम उसमें प्लेटिनम है, और अगर आप एकदम ही प्लेटिनम पे खेलोगे तो आप जैसे ही अपना ड्रॉप क्लियर करोगे तो आप आपके लिए 20 या 25 ही बंदे अलाइव बचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लॉबी में। तो आप लोग उसमें हाई किल्स कर नहीं पाओगे, और आप एकदम ही एस टीयर पे चले जाओगे तो वहाँ पे बंदे इतने तकड़े आएंगे कि आप उन्हें इजीली मार नहीं सकते, कि आप 35-36 किल्स एवरेज निकाल लो इस लॉबी में, तो वो बहुत टफ हो जाता है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग डायमंड टीयर पे खेलो। सो गाइस, बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए क्वालिफाई करने को। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2-2 स्प्लिट में खेलो, और एक जो आपका डुओ है वो हम ज़रूरी है कि आप उसे स्कूल भेजो, क्योंकि स्कूल और अपार्ट साइड एक तो बंदे ही बहुत ज़्यादा लैंड करते हैं, और दूसरी बात यह है कि उधर पे बॉट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हमें क्लासिक मैचेस ही खेलने हैं नॉर्मल, तो उसमें बॉट्स के किल भी काउंट होंगे। तो या आपको एक डुओ तो कम से कम स्कूल भेजना ही है, और दूसरा डुओ आप उधर भेज सकते हो जिधर पे उस टाइम लाइन जा रही हो, प्लेन पाथ हो जहाँ से भी, तो वो आपके लिए ऊपर डिफर करेगा मैच टू मैच। और अगर आपको एकदम ही वियर्ड सी लाइन लगे जहाँ पे या तो स्कूल दूर है या फिर उसमें कुछ अलग ही हॉट ड्रॉप्स आके रखे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वो मैच एग्जिट कर देना लॉबी से ही, और आपकी वो मैच काउंट नहीं होगा। सो गाइज, आप लोग जानते हो कि हमारे BGMI में भी कितने सारे हैकर्स आके रखे हुए हैं, कई बार एक एक मैच में दो तीन तीन हैकर्स आ जाते हैं। तो उसके लिए तो हम हैकर से कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सबसे सेफेस्ट टीयर है अभी खेलने को हैकर से बचने के लिए, वो है डायमंड टीयर, क्योंकि जो अच्छे हैकर्स हैं वो ऑलरेडी एस कॉन्करर में बैठे हैं, या फिर जो एकदम नए नए हैकर्स हैं वो एकदम ही प्लेटिनम गोल्ड टीयर पे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप डायमंड टीयर पे खेलो, क्योंकि वो सेफ़ है। और गाइस, बाई चांस अगर आपके मैच में हैकर आ जाए गलती से, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस और ज़्यादा ट्राई करना है कि आप एटलीस्ट 20-25 किल्स के ऊपर तो कर ही लो आप, क्योंकि एक साइड से वो हैकर भी लॉबी खाली कर रहा होगा, और अगर आप एटलीस्ट ट्राई भी नहीं करोगे तो आपका ये मैच वैसे ही बर्बाद जाने वाला है। तो आप एटलीस्ट ट्राई करो कि आप इस मैच में चिकन डिनर ले आओ 25 किल्स के ऊपर, क्योंकि अगर आप हैकर के अगेंस्ट भी 25 किल्स के साथ चिकन डिनर ले आए, तो जिस मैच में हैकर नहीं होगा, हो सकता है उसमें 40 के ऊपर भी चिकन डिनर आपका एक हाथ निकल जाए, तो आपका एवरेज कहीं पे 30-35 के आसपास ही आएगा। तो एटलीस्ट आप ट्राई करना कि अगर कुछ हो सके इस टाइप का, नहीं तो फिर तो वो मैच वैसे ही बर्बाद जाने वाला है। सो गाइस, अब बात करते हैं आपको क्वालिफाई करने के लिए एवरेज किल्स कितने करने हैं। सो अगर आप 35 के ऊपर किल्स करके चिकन डिनर ला रहे हो, एवरेज किल्स आपके 35 हैं, तो आपके पास एक फेयर चांस रहेगा कि आप क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन फिर भी इसमें डाउट रहेगा कि इट इज़ पॉसिबल कि शायद आप क्वालिफाई ना करो, क्योंकि हैकर्स की वजह से हो सकता है हैकर्स बहुत ज़्यादा ही किल्स निकाल लें एवरेज, तो या इट इज़ पॉसिबल कि आप इसमें भी क्वालिफाई ना कर पाओगे। लेकिन अगर आप किसी तरह एवरेज 40 या 38 के ऊपर भी आप मेंटेन कर रहे हो, तो हाँ, आपके 90% के ऊपर चांसेस रहेंगे कि आप क्वालिफाई कर जाओगे। सो गाइज, एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगा, जो कि है कि आप मैचेस खेलते टाइम ड्रॉप ज़रूर लूटा करें, क्योंकि आपके पास ग्रोज़ा एम के जैसी गने होंगी तो आपको बंदे मारने बहुत ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि आपको उन्हें अगेंस्ट द टीपी भी जा जा के मारना पड़ेगा कई बार, अगर वो कैम वैम कर रहे हैं। आपको किसी भी स्क्वाड पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आप डुओ भी रहेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ड्रॉप्स वगैरह कलेक्ट करना।
सो या गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर मैंने कोई लाइक इंपॉर्टेंट टिप या पार्ट मिस कर दिया हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं बाकी लोगों का, उससे भी कुछ भलाई होगा। सो या गाइस, आई विल सी यू द नेक्स्ट वन। टिल देन, पीस आउट। I'm